आरएस टेक्निकल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कुछ लोग है क्या ना कि कुछ लोगों को ये टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आता, ये चीज़ समझ में नहीं आती कुछ कुछ चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। कोई भी दिक्कत होगी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक सिंपल सा है कि हम अपना जो गूगल पे है, देख सकते हैं जैसे मेरा ही गूगल पे है, इसमें अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, ठीक है ना। बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पहले तो आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया होती हैं इस गूगल पे का, वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट में आपका KYC, ठीक है, आपका KYC होना चाहिए, आप लोगों को बैंक से वो करवाना पड़ेगा, KYC होना चाहिए, आपका पैन कार्ड जो भी आप लोगों ने दिया होगा वगैरह वगैरह वो सब देना पड़ेगा आपको वहाँ पे। और आपको पूरा डिटेल वहाँ जाके, पहले तो बैंक से आप लोगों को KYC वगैरह का आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग इसको यहाँ से बैंक अकाउंट आप ऐड कर पाते हो, ठीक। जैसे 18 साल के ऊपर होना चाहिए, ये सब का क्राइटेरिया जो आपको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, तभी आप गूगल पे में आप अपना जो 18 जो अपना वो बैंक अकाउंट है तब तो वो आप ऐड कर पाओगे, ठीक। देखो गूगल पे क्या है ना कि गूगल पे हर चीज़ में काम करता है। गूगल पे एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देती है। आप गूगल पे अगर आप हो अपना अपना बैंक अकाउंट वगैरह ऐड किया है तो आप लोग कुछ भी यहाँ से पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे देख सकते हो हर चीज़ यहाँ से पे कर सकते हो, लाइट बिल से लेके फ़ोन रिचार्ज से लेके DTH रिचार्ज से लेके बिल पेड जितने भी सब कुछ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और GPay ना हर जगह काम करता है। कभी कभी इसका क्या है, सर्वर डाउन होता है तो पे नहीं होता, अलग बात है, बट वो बैंक की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इसके भी होती है तो उसकी चिंता नहीं है, बट आप लोग इसको वर्क कैसे करना है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊँगा। आपको देख सकते हो रिवॉर्ड्स में, आपको जब भी आप कुछ पे करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, कुछ पे फ्री वगैरह वगैरह कुछ कुछ आप लोगों को हमेशा मिलता ही रहता है। तो ये गूगल पे का बहुत अच्छा, मतलब गूगल पे हमेशा ही काम करती रहती है कि कुछ कुछ देती रहती है। जैसे देख सकते हो मुझे मिला था ये 100 रुपये का पेट्रोल, अगर मैं देता हूँ तो मुझे 5 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ठीक है, मतलब मुझे पेट्रोल का 5 रुपये सस्ता मिला। चलो कोई दिक्कत ना है, कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना मिले से चाहे कुछ मिले ही सही। बोट पे मिला था, बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस पर बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना, आप खाली इस पर ना। और हाँ, और एक और बात, हर फेस्टिवल पे इस पर एक नया नया ऑफर चलता ही रहता है। उस पर अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो या कुछ कुछ कर पे हुए करना चाहते हो तो आपको उस पर भी छूट मिलती है। गूगल पे बहुत सही जगह है, ठीक है ना। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो इसमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है इसका। आप लोग क्रोम पे जाके आप लोगों ना इसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आप लोग चाहो तो इसके कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो। ये कस्टमर केयर इसका है और आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी प्रॉब्लम है इसका रिजॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गूगल पे बहुत सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पे हम लोग पे कर सकते हैं अपना जो भी है, अपना हम लोग देते हैं मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो पहले तो आपको बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे कि ये बैंक अकाउंट है और ये बिजनेस जो भी है, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा, ठीक। अब अपना जो भी वेरिफिकेशन है, हाँ, और ये बात का याद रखना दोस्तों कि आपका जो बैंक अकाउंट पे ऐड करने से पहले अपने फ़ोन में आपका मैसेज वाला पैक होना चाहिए, ठीक। क्योंकि गूगल ये जीपे है ना, आप पे एक मैसेज भेजती है बैंक को, वो आपको बैंक एक वेरिफिकेशन बैज वो नंबर भेजती है तभी आपका वेरीफाइड होगा, ठीक है। और वो सिम स्लॉट 1 में डालिएगा तभी आपको ठीक से वर्क करेगा, नहीं तो आप लोग फिर बाद में बोलोगे कि आपको समझ में नहीं आया वगैरह काम नहीं किया, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको। और आपको देखिए कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप लोग सर्व हिस्ट्री में जाके, ठीक है, जो भी आप लोग पे करते हो वगैरह आपको पता ही होगा मैंने बहुत पे किया भाई, ठीक, रेगुलर पेमेंट वगैरह वगैरह में जाके कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि जल्दी पे हो जाता है और बैंक अकाउंट में तुरंत ऐड भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा दिक्कत आ ही जाती है, बट इसमें कोई इतना प्रॉब्लम मुझे कभी लगा नहीं। मैं बहुत काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, करीबन हो गया मेरा 8-9 महीना, 1-2 साल हो गए, तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत आज तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यूज़ करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखो जो भी यहाँ पे अगर आपको कुछ आता हो ना, मतलब कैश वगैरह का, तो यहाँ पे देखो सेविंग वीक इज़ बैक फॉर नाउ 1 वीक ओनली मेकिंग 7 पेमेंट्स टू गेट अप टू 50। देखो यहाँ पे जैसे अब ये लिखा है ये ऑफ़र है, ठीक है, तो इस पर आपको ये कैशबैक मिलेगा, ये इस पर आपको बहुत पैसा है, ठीक है ना। अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करना सीख गए तो आपको पहला बात तो पैसा भी मिलेगा, ठीक है।
आपको मतलब बेनिफिट बहुत है इसमें और सेफ तरीका है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत हो ना तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आप देखो जैसे जीपे वगैरह आप करते हो ना, सॉरी एडसिन, जैसे आप लोग प्रमोशन वगैरह मारते हो तो पैसा एडवर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे एक देखो ना, यहाँ पे या बिल के नीचे यहाँ पे नहीं एक आ जाता है वो कन्फर्मेशन का मैसेज आता है, तो वहाँ से क्लिक करोगे तो ही कन्फर्म होकर पेमेंट वहाँ ऐड होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे वर्क करता, बहुत बहुत ईजी तरीका और बहुत अच्छे से भी हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें उतनी नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक की, कुछ चीज़ें बोल देता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो काम कर